स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने तो इसका लाभ सभी को हुआ ये शौचालय भी बिना भेदभाव ही बने थे लेकिन एक इस, उसका एक्सपेक्ट ऐसा जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है और नहीं एकेडमिक वर्ल्ड का इस पर उतना ध्यान गया है मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी हर स्टूडेंट इस पर गौर करे मेरे साथियों एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉपआउट रेट शिक्षा में से ड्रॉपआउट रेट 70 परसेंट से ज्यादा था 70 प्रतिशत से ज्यादा था मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70 परसेंट से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ गांव गांव शौचालय बने सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए आज देश के सामने क्या स्थिति है पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70 प्रतिशत से ज्यादा था वो अब घटकर करीब करीब 30 प्रतिशत रह गया है पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी अब हालात बदल रहे हैं मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है